और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से। आजमगढ़ में दिनेश निरहुआ की हार, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की हार हो गई है। एसपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव यहां जीत गए हैं। दिनेश जो कि यहां से सांसद थे वो हार गए हैं। एसपी प्रत्याशी ने धर्मेंद्र यादव को एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को जनता ने वोट दिया और वो जीत गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, शुरू से आगे चल रहे थे आज और अब नतीजों में कन्वर्ट हुआ, जीत गए हैं वो। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की हार हुई है। निरहुआ जो कि कहते थे कोई आए कोई जाए, निरहुआ डटल रहल, लेकिन इस बार निरहुआ को पब्लिक ने कह दिया जरूरत नहीं डटे रहने की। वीरेंद्र जी देखिए, वहां पर निरहुआ जीते थे लेकिन हाँ, जीत का जो मार्जिन था ना बहुत कम था। देखिए, 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना वो शुद्ध करके मुलायम सिंह जी के परिवार का कॉन्स्टिट्यूएंसी कहिए, जैसे गांधी परिवार का अमेठी है चाहे रायबरेली है। अब उससे सहमत है असहमत है वो मेरा व्यक्तिगत राय अलग है, लेकिन वो है और उसी का परिणाम है। केंद्रीय मंत्री के हारने की खबर है वीरेंद्र जी, भानु प्रताप वर्मा जालौन से चुनाव हार गए। वही यूपी की बात मैं कह रहा था, यूपी में जो हो रहा है, जो वोट शिफ्ट हुआ है, जो वोट का फर्क है, उसका परिणाम है कि ये उनके साथ होना ही था और इसको रोक। देखिए, रिजर्वेशन की बात आप कह रहे हैं ना, मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि 2015 बिहार विधानसभा का चुनाव था और उस चुनाव में संघ के आरएसएस के द्वारा कुछ आरक्षण पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया और उसका महेंद्र नाथ पांडे, एक और बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे उनकी भी हार हुई है। एक और केंद्रीय मंत्री की हार की खबर और ये भी यूपी से ही, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे हार गए। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा भी हार चुके, जालौन से भानु प्रताप वर्मा को हार मिली तो वहीं चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे की हार। एक के बाद एक कई केंद्रीय मंत्री और वो भी उत्तर प्रदेश। देखिए, बाकी जगहों की बात करें, बाकी राज्यों की बात करें तो कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे बीजेपी ने। उत्तर प्रदेश ही वैसी जगह थी जहां पर कम टिकट कटे थे और रिपीट हुए थे यहां पर चेहरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ रहा है। वीरेंद्र जी देखिए, अब मैं चंदौली की बात करूंगा, मैंने साफ साफ उसमें देखा कि पिछले चुनाव में पांडे जी 5% कम मार्जिन से जीते थे, तो कायदे से मुझे लगता है उनको टिकट नहीं देना था, बदल देना था, लेकिन नहीं बदला गया। तो जब यूपी के दबाव है तो यूपी के दबाव समझना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल आपका आकलन है कि बहुत कम मार्जिन पिछली बार जीत का था, तो इस बार ना रिपीट करते तो शायद बेहतर परिस्थिति होती। और यहां सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, यहां पे ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारी को लेकर प्रश्न उठे और ये कहा गया कि कुछ उम्मीदवारों का फीडबैक भी नेगेटिव था, लोगों की नाराजगी है, फीडबैक भी नेगेटिव रहा, उसके बावजूद भी उनको रिपीट किया गया। और कई उम्मीदवार तो ऐसे थे कि शायद मोदी के चेहरे के ही भरोसे वो बैठे रह गए, उनको कैंपेनिंग करते हुए गली गली चौपालों में जाते हुए डोर टू डोर कनेक्ट करते हुए भी उस प्रकार नहीं देखा गया। वो डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक तरह से पूरी तरह रिलाय कर गए और जनता से कनेक्ट उनका टूट गया। ये भी एक बड़ी वजह रही क्या प्रदीप जी, केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव हार जाना, इससे तो एक बहुत बड़ा संदेश निकलता है और ये बड़े आत्ममंथन की वजह भी है कि कौन चुनावी मैदान में आपका प्रत्याशी है। प्रदीप जी आलोक वर्मा हमारे साथ हैं, लगता है आवाज उन तक नहीं जा रही है फिलहाल, आवाज उन तक नहीं जा रही है। और झांसी में बीजेपी की जीत तय है, बीजेपी के अनुराग शर्मा यहां से जीत गए हैं। झांसी से बड़ी खबर, यहां पर रोड शो भी हुआ था, लंबा रोड शो हुआ था, बड़ी मजबूती के साथ प्रचार बीजेपी ने किया था, मौजूदा सांसद को ही टिकट दिया था और अनुराग शर्मा ने एक बार फिर यहां पर जीत हासिल की है। झांसी से अच्छी खबर है बीजेपी के लिए। और आलोक वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक वर्मा जी से सवाल कि क्या कैंडिडेट्स को लेकर गलती हो गई उत्तर प्रदेश में, जो नाराजगी लोकल स्तर पर थी उसे नजरअंदाज किया गया था? नहीं, फिलहाल तो अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो ऐसा कुछ कहा जा सकता है कि शायद प्रत्याशी बदलते तो कहीं हमसे कुछ ज्यादा फायदा मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि ये समीक्षा का विषय है, क्या प्रत्याशी बदलने से कुछ फायदा मिलता है या कुछ और चीजें चल गई। तो ये जो हम बैठेंगे, मंथन चलेगा, मंथन का दौर शुरू हो गया है, हमारे जो लीडर्स हैं वो बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ चीजें निकल के आएंगी। क्योंकि हमने जो कोई भी सियासी दल कर सकता है जिसको सत्ता सौंपी गई हो, वो परिवर्तन ला सकता है, विकास की तरफ आगे बढ़ सकता है, तरक्की की तरफ आगे बढ़ सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी जी की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है,
मुझे लगता है कि अभी इस पर मंथन की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बैठेंगे निश्चित रूप से, और उसके लिए एक बैठक भी इस वक्त लखनऊ में चल रही है, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। फखरुल हसन जी हमारे साथ है। फखरुल जी, इस वक्त जो यूपी का टैली कह रहा है, 40 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी आगे हैं और 39 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे हैं, लेकिन आपका जो क्लेम है वो 50 सीटों का है, और आपने शायद कल एक ट्वीट भी किया था जिसमें आपने किसी इंटरनल सर्वे की बात कही थी और कुछ सीटें आपने उस पर डिक्लेयर करी थी कि कहां क्लियर कट जीत रहे हैं, कहां टफ फाइट है या कहां क्लोज फाइट है, तो उसके हिसाब से तो आपका दावा यह कि आप 50 सीटें जीत रहे हैं, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो 39 सीटों पर बीजेपी आगे है, क्या उसमें से भी अभी INDIM में बहुत कुछ आने वाला है? देखिए आस्था जी, वो बहुत करीबी फाइट है, कुछ जगह पे बहुत करीबी मुकाबला है, और हमने जो कल ट्वीट किया था या पोस्ट की थी एक्स पे, वो समाजवादी पार्टी का अपना सर्वे था। हमने जो जिन सीटों पर सर्वे किया था उसी लिस्ट को मैंने एक्स पे पोस्ट किया था, और आप अगर इस चुनाव परिणाम आने के बाद उसको टैली कर लीजिएगा तो आपको लगभग वही परिणाम मिलेंगे। फैजाबाद की सीट भी उसमें थी जो समाजवादी पार्टी जीत गई है, हमें भरोसा था क्योंकि जनता के बीच में हम गए, पूरा ऐसा कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है जहां ना गया हूं, तो हम लोगों ने तो जनता के बीच में जाके इस सर्वे को किया था। हमारा जो सैंपल का साइज था वो सैंपल बहुत बड़ा था, हम पहले से कह रहे थे कि जो सर्वे है वो गलत साबित होंगे। समाजवादी पार्टी का सर्वे जिस पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी, यानी कि जो आंकड़ा अभी समाजवादी पार्टी का दिख रहा है, इसमें 5 सीट 10 सीट और आप जोड़ने की बात कह रहे हैं, जिसमें गाजीपुर का भी इन्होंने जिक्र किया हुआ है, चंदौली सीट का भी जिक्र किया हुआ है जिसकी अभी हमने ब्रेकिंग दी और क्लियर हो गया, वहां तो तस्वीर क्लियर हार गई है वहां पर केंद्रीय मंत्री, और मिर्जापुर पर भी आप दिखा रहे हैं नजदीकी लड़ाई, जबकि यहां से अनुप्रिया पटेल तो काफी आगे चल रही है, काफी आगे हो गई है। ठीक है, माफ कीजिएगा, हमारे मेहमान है वीरेंद्र जी, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, यहाँ पर जब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो कहते हैं कि अगर दिल्ली में सत्ता तो वो उत्तर प्रदेश के रास्ते ही, 2014-2019 में हमने यही देखा, क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि यूपी के बिना बहुत बड़ी भागीदारी के केंद्र में सत्ता बनने जा रही है? बिल्कुल यही सवाल मेरे जहन में अभी था सेकंड्स पहले। 2014 में बीजेपी को मिला था 71 सीट जी, और दो था उनके एलआई का, यानी 73 73 282 में से अब 50 भी घटा दीजिए क्या परिणाम होता। 2019 में अंक घटता है लेकिन 64 पे रुकता है, 303 में 50 घटा दीजिए क्या होता। अभी क्या हुआ, 244 तो है, सिर्फ चाहिए था इनको कितना 28 सीट, वो 28 नहीं मिला। ये तो सच है, अब मानना ही पड़ेगा कि लखनऊ से दिल्ली आने के लिए वहां का नंबर जरूर चाहिए, नहीं लेकिन है, इस बार वो मैजिक काम नहीं करता दिख रहा है। 2017 में से पहले जब यहां पर आए थे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, उन्होंने एक माहौल बनाया, 2014 से पहले ही उन्होंने यूपी पर नजर रखनी शुरू कर दी थी, माहौल बना, और अब लगता है कि वो मैजिक कम हो गया। देखिए यहां पर एक बात मैं बताऊंगा कि जो डेमोग्राफिक कॉम्बिनेशन था इन्होंने किया था 2014 के हिसाब से, आप कहेंगे कैसे, RLD को जोड़ना, SVPP को जोड़ना, उसके बाद निषाद जी को जोड़ना, सोनेलाल जी की पार्टी है उनको जोड़ना, तो कहने का मतलब यह है कि जितने थे जाट हो, OBC हो, मौर्या हो, चाहे निषाद हो, चाहे कुर्मी हो, सबको इन्होंने जोड़ा अपने हिसाब से, बिल्कुल 2014 की तरह। लेकिन सारा गड़बड़ हो गया नैरेटिव पर आके, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा नहीं आना था, और यदि आना था तो उसका काउंटर होना चाहिए था सही, जो नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री अकेले ही इस मुद्दे पर बोलते दिख रहे थे, और वो भी शुरू के दो चरण की वोटिंग के बाद। बिल्कुल, अब सोचिए ना, प्रधानमंत्री 300 से ज्यादा रैली करते हैं, प्रधानमंत्री 80 इंटरव्यू देते हैं, आप अंदाज लगाइए यदि प्रधानमंत्री थोड़ा कम ये सब किए होते तो क्या होता, क्योंकि प्रधानमंत्री के मतलब उनके एनर्जी पे, उनके पूरा जो अपना ऑरा है उस पर तो लोगों को, मुझे आश्चर्य है, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा TMC के कैंडिडेट, उनका मैं एक बाइट सुना तो मैं दंग रह गया। वो कहते क्या है, देखो जी इसका तो लोग अर्थ जरूर निकाल लेंगे उल्टा, लेकिन नहीं निकालना कि आज की तारीख में यदि कोई भी है सबसे एनर्जेटिक लीडर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। चाहे आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, हमारी पार्टी को भी बुरा लगेगा, लेकिन यह सच है। जब एक विपक्ष का नेता, सीजंड नेता इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है तो मैं समझता हूं कि यह जो है वो प्रधानमंत्री का उसमें 95% कॉन्ट्रीब्यूशन है, नहीं तो क्या होता हमें नहीं पता।
और ये वही बिहारी बाबू हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की, ये वही नेता हैं जिनको नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ और बीजेपी का साथ छोड़कर उन्हें बाहर भी जाना पड़ा, टीएमसी में जाना पड़ा, और वो मौजूदा दौर के नेताओं की वजह से ही ऐसा कहा जाता है कि उनकी नाराजगी, चूंकि वो अटल गुट के थे तो इस गुट में वो फिट नहीं बैठे और तब भी वो तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, लेकिन बाकी सब शांत दिखे। अच्छा, कुछ कैंडिडेट भी तो आपने भी देखा होगा, इंटरव्यूज ऐसे हैं जब छोटे छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी के, वो कैंडिडेट जवाब नहीं दे पा रहे, चाहे वो अंत्योदय योजना के तहत अनाज बांटने की बात हो, जो 25 करोड़ गरीबों को बाहर निकालने, उस पर वो क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे। तो ऐसे तो कैंडिडेट आंकड़े, अब मैं क्या बताऊं आपको कि आंकड़े जैसे 80 करोड़ लाभार्थी हैं देश में जिनके घर में सीधे राशन पहुंचता है, 80 करोड़ लाभार्थी हैं जिनके अकाउंट में सीधे पैसा जाता है, 50 इस बार ये फैक्टर काम नहीं किया, लेकिन इस बार ये फैक्टर काम नहीं किया जो लाभार्थी वर्ग कह रहे थे, लाभार्थी वर्ग ने क्या खुलकर सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया, उसको कराना होता है, और वहां पर इस फ्रंट पे जाके मुझे लगता है कि ऑपरेटर्स इनका जो है लोअर लेवल ऑपरेटर्स हो सकता है काम नहीं किया होगा, लेकिन दिलासा की बात यह है ये सब कुछ होने के बाद अभी भी आंकड़ा यही कह रहा है बिल्कुल एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी फिर से बिल्कुल, और फिलहाल रुझानों का आंकड़ा भी इसी ओर इशारा कर रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले एक बार आंकड़ा आपको बता देते हैं। फिलहाल 543 सीटों का जो है वो रुझान सामने आ चुका है, एनडीए 297 सीटें और 230 सीटों पर INDIE आगे है और अदर 16 सीटों पर आगे चल रहा है, और नतीजों में क्या सीटें कन्वर्ट हुई हैं, 149 सीटें एनडीए जीत चुकी है, 105 सीटें INDIE अभी तक देशभर से जीत चुकी है और 10 सीटें अदर्स के खाते में जा चुकी है। बिल्कुल, तो आगे कैसे कैसे तस्वीर बदल रही है उस पर भी हमारी निगाहें बनी हुई है, एक एक तस्वीर की हम आपको आपके सामने रख रहे हैं। नतीजों का दिन है, दिल थाम कर बैठे रहें, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। के साथ अखिलेश जा रहे हैं तो क्या वो माइनॉरिटी वोट के लिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें उठ रही थी, लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रीय लेवल पे जो समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मतदाता के जहन में ये था कि अगर मोदी और भारतीय जनता पार्टी से कोई भी लड़ सकता है या कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है तो वो कांग्रेस बनाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, कांग्रेस से हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ गई हैं। प्रियंका गुप्ता जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। जो स्कोर है टैली में वो आप लगातार देख रही होंगी, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी, उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी, और ओवरऑल फिगर्स भी लगातार हम दिखा रहे हैं, क्या रिएक्शन पहले आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को धन्यवाद दूंगी, जिस तरह से आज रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वोटों की गिनतियां स्टार्ट होते ही उत्तर प्रदेश एक बिल्कुल ही एक नए फॉर्म में नजर आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने यह बता दिया है कि किस तरह से उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया है, किस तरह से उन्होंने किसानों ने जो पशुओं की समस्या थी आवारा पशुओं की उसके खिलाफ वोट किया, किस तरह से जो झूठ और जुमले थे उसके खिलाफ वोट किया गया है। मैं पूरी तरह से देख सकती हूँ कि जिस तरह से जीत की तरफ हम अग्रसर हैं उससे जनता भी उत्साहित है, क्योंकि जनता ने इस बार अपने मुद्दों पर वोट दिया, और सबसे बड़ी चीज है कि जो कार्यकर्ताओं में आज उत्साह देखने को मिल रहा है वो वाकई में सराहनीय है। आप देखिए कि बनारस जैसी महत्वपूर्ण सीट पर आदरणीय अजय राय जी जिस तरह से आगे चल रहे हैं, चाहे वो अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे अन्य सीटें हो, चाहे गठबंधन की सीटें हो, किस तरह से हम आगे चल रहे हैं और एक सरप्राइजिंग मोमेंट है वो सबके लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार देश क्या उम्मीद है आपको प्रियंका जी, अभी जो टैली है आपको क्या उम्मीद है, ये और आगे आपके फेवर में बढ़ेगी या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़ा है उसको छू करके इसी को परिणामों में तब्दील होकर के सत्ता की चाबी अपने पास रखेगी? देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता की चाबी इस बार देश की जनता ने बदलने का मत बना लिया है। इंडिया गठबंधन को बहुमत के साथ वोट मिल रहे हैं और जो उत्साह आप देख सकते हैं वो वाकई में सराहनीय है, और मुझे लगता है कि जो बदलाव की बयार है ये शुरू हो चुकी है। इस बदलाव की बयार में जिस तरह से आप देखिए ये कई सीटें हैं जिसमें हम बढ़त बनाए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनके बारे में लगातार प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। संजय राणा जी, दो सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। पहला ये कि अगर हम देखें वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, तो वोटिंग परसेंटेज सातों चरणों में कई जगहों पर सवालों के घेरे में आया क्योंकि वोटिंग टर्नआउट काफी कम हुआ था, तो क्या एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि लोग वोट डालने के लिए नहीं गए और उसकी वजह से कई प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़े या उनको उतने वोट नहीं मिल पाए जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? और दूसरा सवाल ये कि क्या जिस तरीके से इंडिया अलायंस के लोगों ने प्लानिंग की और एक एक सीट पर कैंडिडेट सामने जो उतारे वो भी प्लानिंग के तहत उतारे, चाहे रायबरेली की हम बात कर लें या अमेठी की बात कर लें या और बाकी जगहों की बात कर लें,
देखिए जहां तक आप बात कर रहे थे वोट परसेंटेज की, तो फेज वन और फेज टू में नो डाउट 3.78 और 3.41 का डिफरेंस था जो पुराने 2019 से अगर कंपेयर किए थे, लेकिन बाद में आते आते 1% और 0.78% का रह गया था, बहुत कम मार्च डिफरेंस रह गया था। देखिए वोट परसेंटेज का ऐसा कुछ वो नहीं, अगर कम पड़ रहा है तो कंटिन्यू करेगा, ज्यादा हो गया तो बदलाव है। आपके हिसाब से अगर वोट परसेंटेज का अगर टैली होता है ये बढ़ना, तो फिर तो बदलाव दिख नहीं रहा होता। देखिए अब टैली में तो इंडियन अलायंस काफी अच्छा परफॉर्मेंस करे, अगर कांग्रेस की बात करें तो सेंचुरी मारने की तरफ है, समाजवादी पार्टी 4-5 गुना 6 गुना बढ़ गई है, वो शाम तक हमें सब पता चल जाएगा। लेकिन ये कोई आंकड़ा नहीं होता कि अगर कम हो रहा तो किसी कैंडिडेट को हार सकता जीत सकता है। जहां तक चर्चा कर रहे थे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन जो किया गया उत्तर प्रदेश में, देखिए कैंडिडेट का सिलेक्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए।